Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome to my channel. So in our today's video, मैं आप सभी के साथ एक good news share करने वाली हूँ regarding class 10th as well as class 12th board exam. So इसमें एक तो good news है, but एक कई students के लिए bad news भी हो सकती है. तो क्या है वो चीज़ें, discuss करते हैं. सबसे पहले check कैसे करना है कि ये जो latest update आया है, ये कहाँ आया है. तो CBSE की जो official website है, वहाँ पे चले जाना, CBSE search कर लेना. First website आती है हमारे पास www.cbse.gov.in. ठीक है, या तो सिंपली सर्च कर सकते हो, तो हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी. तो ओपन होगी तो इस तरीके का आपको इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा. यहाँ पे मेन वेबसाइट, परीक्षा संगम, रिजल्ट्स, सारी जितनी भी हमारी चीजें आती हैं, सब कुछ हमें यहीं पे देखने को मिल जाता है. बट हमें जहाँ पे क्लिक करना है वो है ये वाला पोर्शन, विच इज द मेन वेबसाइट वन. ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पे लैंड हो जाओगे. अब यहाँ पे नीचे देखोगे तो लेटेस्ट @CBSE यहाँ पे लिखा हुआ है. तो यहाँ पे ना जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर एकेडमिक ईयर 2023 से 2024, तो यहीं पे आपको क्लिक करना है. जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपके पास नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा. नोटिफिकेशन बहुत ही सिंपल सा है, वन पेज का है. देखो, ये तो CBSE ने पहले ही कह दिया था कि 15th February से 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे. अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो आपके एग्जाम्स चलेंगे ना, वो अप्रोक्सीमेटली 55 days तक चलने वाले हैं. 10th अप्रैल तक आपके एग्जाम्स चलेंगे. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 15th से ही एग्जाम स्टार्ट हो, बिकॉज जनरली ऐसा देखा गया है कि 19, 20 या 27 से क्लास 10th या क्लास 12th के एग्जाम स्टार्ट हो रहे होते हैं. एंड क्लास 10th की जो डेट शीट होती है एंड जो क्लास 12th की डेट शीट होती है, वो भी काफी अलग होती है. एंड गैप्स भी इवन नहीं मिलते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में आपको ज्यादा गैप मिल रहे हैं जबकि आपको रिक्वायर्ड नहीं है, एंड कोई सब्जेक्ट में आपको ज्यादा गैप रिक्वायर्ड है बट वहां पे आपको काफी कम गैप्स भी देखने को मिलते हैं. तो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे 55 डेज हमें मेंशन करके दे दिया है तो हम इसे बहुत ही ज्यादा लीनियंटली लें, हम बहुत अच्छे से ना पढ़े. यहाँ पे गैप्स आपको कम भी मिल सकते हैं, इसीलिए यू हैव टू प्रिपेयर वेरी नाइसली. एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सोचते हैं कि हम इजिली पास हो जाएंगे. कुछ रटी रटाई चीजें होती हैं, कुछ डेफिनेशंस होते हैं, नॉन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, डेरिवेशंस वगैरह हैं, कि इनको रट के तो हम पास हो जाएंगे. ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाला है. गैप्स काफी अच्छे तो आपको देखने को मिलेंगे, बट जो पेपर का लेवल है ना, वो डेफिनेटली डिफिकल्ट आने वाला है. जो लेटेस्ट पैटर्न का लेवल है, एक बार चेक भी कर लेना. सैंपल पेपर CBSE ने ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं, तो CBSE की वेबसाइट पे जाके ही चेक कर लेना. इफ यू डू नॉट नो एंड आपको एक वीडियो चाहिए है डिटेल की क्या वेटेज है हमारा, किस तरीके से हमें सारी चीजें चेक करनी है, सो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सैंपल पेपर एनालिसिस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी हर एक सब्जेक्ट के लिए, सो दैट आपको पता चले कैसे प्रिपेयर करना है. एंड कई बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम बुक कौन सी प्रेफर करें, बिकॉज अब तो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं. तो उसके लिए ना ओसवाल गुरु ने अपनी बुक लॉन्च कर रखी है. यहाँ पे आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. दिस इज द मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज एंड कैटेगरी वाइज है. यहाँ पे लाइक जितने भी आपके चैप्टर्स हैं ना, सबके यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे. इट कंटेन्स ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस. यहाँ पे केस स्टडी टाइप है, assertion reason टाइप क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये रिपीटेडली जनरली प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आते ही हैं, सो प्रीवियस ईयर डेफिनेटली करने हैं, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, MCQs, जो भी लेटेस्ट आपका पैटर्न है उस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है. और जिस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी पूछे जाते थे, लाइक हमारे पास वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक है तो इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे. इवन केमिस्ट्री में ना आपके न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं क्लास 12th वाले बच्चों के, तो यहाँ पे उसमें भी न्यूमेरिकल्स गिवन है. तो बहुत अच्छे से ना इन सारे क्वेश्चंस को कर लेना. इस बुक से मैं सेशंस भी डेफिनेटली लाऊंगी. अगर आपको एक न्यू सीरीज चाहिए है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन करना. ऑल्सो मेंशन कि आप कितना स्कोर करना चाहते हो, आपकी एक्सपेक्टेड परसेंटेज कितनी है कि मुझे इतना अचीव करना है. इट कैन बी 90, इट कैन बी 95. कई बच्चे सोचे होंगे कि हमें तो बस पास होना है, तो जो भी चीजें हैं ना कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखना. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.